क्योंकि महाकुंभ का पर्व है और ऐसे में सनातनी धर्म का उत्सव कैसे मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं, इस पर पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ को लेकर 2025 में होने वाला है, जी हाँ, अगले साल, ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ अभी तक इंतजाम किया गया है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ पल पल एक एक जानकारी ले रहे हैं, पहले वो आपको बता देते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि संतों का क्या प्रस्ताव। जनवरी 2025 में देखिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के लिए तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ को लेकर बैठक की, अलग अलग अखाड़े हैं इसमें जिसकी बैठक हुई है और 8 अखाड़ों के संत मौजूद रहे। यूं तो 13 अखाड़े हैं लेकिन 8 अखाड़ों के संत यहां मौजूद रहे। संत समाज ने चर्चा की, अखाड़ा परिषद ने 11 प्रस्ताव अभी के माहौल को देखते हुए, अभी के हालातों को देखते हुए पास किए हैं। आज सीएम योगी प्रयागराज में मौजूद थे, वो पहुंचे थे व्यवस्थाओं को देखने के लिए। उन्होंने महाकुंभ की जो तैयारियां की जा रही हैं, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए टेंट सिटी की कैसी व्यवस्था है, कैसे सांस्कृतिक धाम सजाया जाना है, हर चीज़ की जानकारी उन्होंने ली। अखाड़ा परिषद के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की ये समझने के लिए कि उनकी क्या मांगे हैं, साधु संत समाज क्या चाहता है, और इसको लेकर बैठक की गई। और चलिए अब आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि अखाड़ा परिषद की जो बैठक हुई उसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पहले बैठक की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 8 अखाड़ों के संत समाज के लोग यहां शामिल हुए, तस्वीर आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मंथन किया है। आपको बताएं योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने 13 अखाड़ों के संतों के साथ चर्चा की है, विचार विमर्श किया है। दंडी बाड़ा के लोग मौजूद थे, इसके अलावा आचार्य बाड़ा के जो संत समाज के लोग हैं वो मौजूद थे, खाक चौक के जो संत समाज के जो लोग हैं वो मौजूद थे। तो ये जो साधु संत समाज के साथ जो पूरा आयोजन है उसको लेकर तैयारी कैसी है वो यहाँ पर चर्चा के जरिए की गई। और ये देखिए अखाड़ा परिषद की बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको बताएं कि बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं जिसका जिक्र भी हम आपसे कर रहे थे। इसी में वो मांग है जो ये बताती है कि कैसे पवित्रता सुनिश्चित हो, इसको लेकर व्यवस्था की जाए, क्योंकि संत समाज चिंतित है, हैरान है इस तरह के मामले जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर किसी की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो सकता है। आधार कार्ड होना जरूरी है, चाहे भगत हो, चाहे हमारे लोग हो, चाहे हरिगिरी कोई नकली सुरक्षा का लेकर इसे। तो अखाड़ा परिषद ने 11 प्रस्ताव रखे हैं, क्या क्या वो प्रस्ताव हैं आपको बता दे रहे हैं और आप ये सुनकर समझ पाएंगे कि कैसे अभी के हालात में सब कुछ बदलने का संत समाज ने बीड़ा उठाया है, क्योंकि सनातन की सुरक्षा जरूरी है और यही वजह है कि ये कदम उठाए गए। प्रस्ताव नंबर 1 आपको बता रहे हैं, शाही स्नान हुआ करता था, पहले ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब राजसी स्नान शब्द का इस्तेमाल होगा। शाही अरबी शब्द है, ऐसे में संत समाज का ये मानना है कि परंपरा से जुड़ी बात हो रही है तो हम अरबी शब्द का इस्तेमाल ना करें, राजसी स्नान का ही इस्तेमाल होगा। वहीं आपको बताएं दूसरा प्रस्ताव है कि कुंभ में आने वाले संतों को आईडी कार्ड जारी किया जाए जिससे उनकी पहचान हो पाए, कोई भी ऐसा पहचान के नाम पर छल करके यहां महाकुंभ में आकर कुछ ऐसा ना करें जिससे लोगों को तकलीफ हो। तीसरा प्रस्ताव है कि कुंभ में आने वाले आधार कार्ड लेकर आए जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित हो। प्रस्ताव नंबर 4 है, ढोंगी बाबाओं की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। बहुत से ऐसे बाबा हैं जो इस पूरे एक तरह से महोत्सव में खलल डालते हैं, तो ऐसा ना हो। प्रस्ताव नंबर 5 है, अखाड़ों को बराबर बजट मिले जिससे व्यवस्था पूरी रहे। प्रस्ताव नंबर 6 है, बड़े अखाड़ों को 5 करोड़ का अनुदान दिया जाए जिससे वो व्यवस्थाएं बेहतर रख सकें। प्रस्ताव नंबर 7 है कि गैर सनातनियों की ड्यूटी ना लगाई जाए, ये बहुत बड़ी बात है संत समाज की तरफ से कही गई। प्रस्ताव नंबर 8 है कि मेला क्षेत्र में मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहें, इसका सेवन ना हो। प्रस्ताव नंबर 9 है कि गाय को राष्ट्र गौ माता का दर्जा मिले। प्रस्ताव नंबर 10 है कि लव जिहाद और गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। और प्रस्ताव नंबर 11 आखिरी प्रस्ताव, अधिकारी अखाड़ों के संतों से जरूर मिले, उनसे फीडबैक जरूर लें, उनसे जानकारी जरूर लें। ये यहाँ संत समाज की मांग है। लेकिन आपको बताएं इस मांग के बीच आखिर ये मांग क्यों करनी पड़ रही है, क्यों इस तरह के हालात बन गए हैं कि ये मांग करनी पड़े, आपको बताते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इस तरह के माहौल में अभी जो हम देख रहे हैं हिंदू धर्म के जितने भी पर्व अभी बीते हैं हाल ही के दिनों में, कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जो हैरान करती रही हैं। जो ऐलान किया गया, दरअसल ये सनातनी मेला है, यहाँ पर जितने सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो पहुँचते हैं, वो स्नान करते हैं, उनके लिए इसका बड़ा महत्व है। ऐसे में
गैर सनातनी ना पहुंचे तो कोई झमेला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके आस्था से जुड़ा नहीं है तो उनके आने के भी इतने कोई मतलब नहीं रह जाता। आस्था का केंद्र है महाकुंभ, ऐसे में संतों के भेष में कोई ढोंगी ना आए, कोई फायदा ना उठाए, ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं संत समाज के लोग। महाकुंभ की पवित्रता बनी रहे, कहीं अशुद्धता अपवित्रता ना हो, कुंभ को बदनाम करने की साजिश ना हो। कोई याद एक नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पर अगर एक ट्रक भांग भेज दिया जाए, गांजा भेज दिया जाए तो खप जाएगा, इस तरह के बयान आए। तो इसको लेकर भी यहाँ पर संत समाज के लोग कह रहे हैं संतों की सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित हो और रोहिंग्या मुसलमानों की एंट्री ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि संत समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं। वहीं अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अब बताया है कि ये 11 प्रस्ताव क्यों रखे गए, पहले उनको सुन लीजिए। मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है। और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में, मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जाँच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जाँच हो। और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सुरक्षित हो सके। जिन लोगों की हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है उनको प्रवेश क्यों दिया जाए? क्या हिंदुओं का प्रवेश मक्का में हो सकता है? तो जब हिंदू मक्का में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई अन्य धर्मी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, तो हमारे इस पावन पर्व पर जो है दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री क्यों? कुंभ के मेले में अखाड़ा परिषद के जो मजहबी लोग हैं उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आएंगे, और जो काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, लेबर जो मुस्लिम्स हैं उनको भी नहीं लगाया जाएगा, और उनकी जगह पर गैर मुस्लिमों को लगाया जाएगा। ये कितना अचंभा करने वाला बयान है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, ये देखा गया है कि जिहादी साजिश की तस्वीर बार बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आती रही, तिरुपति में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, और यही वजह है कि संत समाज कुछ मांगे लेकर आ गया है। बिल्कुल सलोनी, जिस तरह की चीजें समाज में दिखी हैं उसको लेकर ही ये संत समाज चिंतित है, जो 11 प्रस्ताव आए हैं। मैं इस समय कुंभ नगरी में हूँ और आप देख सकते हैं मेला क्षेत्र है मेरे सामने। ये चलिए राघवेंद्र से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए सनातनी चिंतित है क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई हैं, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई है और इस चिंता को डबल कर दिया। तस्वीर आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो आज पहुंचे थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख पा रहे हैं। तो आप समझिए कि ये पूरी तैयारी इसीलिए की जा रही है क्योंकि कुछ ऐसा ना हो जिससे कि गलती हो जाए। ऐसे में आप पहचान बताएंगे तो ही एंट्री पाएंगे, ये मांग अखाड़ा परिषद ने कर दी है कि आधार कार्ड देखकर ही एंट्री हो, आईडी कार्ड बने संत समाज के लिए। महाकुंभ को लेकर ये मांग है, और ऐसे में देखिए लोगों भी आज जारी कर दिया गया है, तैयारियों की समीक्षा भी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है।